आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। बाबा द्वारा हनुमत कथा का कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू होगा, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर मुख्य पंडाल में लोग सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। भव्य स्टेज बनाया गया है, 5000 कलश मंच के सामने रखे गए हैं। महिलाएं सुबह से ही कलश सजाने में जुटी हुई हैं। वही पंडाल में लगभग 1,00,000 लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। वही बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम से पहले आज दिल्ली में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, इसके कारण समारोह स्थल पर भी जल भराव हुआ है। जब बारिश शुरू हुई तो यहाँ महायज्ञ चल रहा था। यज्ञ पंडाल में बारिश का पानी घुस गया और पंडाल के अंदर जल जमा भी हुआ। लेकिन भक्तों की श्रद्धा देखिए कि यज्ञ और मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया अनवरत चलती ही रही। मुख्य कार्यक्रम के लिए बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल तो बनाया गया है, लेकिन भारी बारिश के कारण जिस मैदान में कार्यक्रम हो रहा है वहां भारी पानी भरना शुरू हो गया है। पंडाल के आसपास भी जल जमाव है, लेकिन भक्त हैं कि इस तेज बारिश के बीच में भी दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। रात 9 से 11 बजे तक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बाबा हिंदू समाज के 10 प्रमुख लोगों से मिलेंगे। 7 जुलाई को भी सुबह महायज्ञ और उसके बाद 12 से 3 बजे तक बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार सजेगा। 8 जुलाई को कार्यक्रम का समापन होगा। वहीं दिल्ली NCR के ग्रेटर नोएडा में 9 जुलाई से 16 जुलाई तक बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम है। ग्रेटर नोएडा के जैतपुर मेट्रो के पास बाबा का कार्यक्रम होगा। इस आयोजन को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। 1200 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। करीब 2000 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में 20,00,000 के करीब श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।